सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज हम बनाएंगे ये फ्रूट क्रीम की जो ये डिब्बियाँ हैं खाली खाली, वैसे भी इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो मैंने सोचा इनको कुछ यूज़ किया जाए जो आपके डेली यूजेस में भी काम आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेनी है आपको ये डिब्बियाँ और इनके ढक्कन खोल लेने हैं और इनको आपको नीचे चिपका देना है ताकि एक स्टैंड के रूप में अच्छा सा टोकरी टाइप का बन जाए। और इन सबको स्टिक करके उसके बाद देखिए मैंने क्या करा है। तो देखो यार, मैंने सारी कटोरियाँ बना ली है वैसे। अब इन सबको एक फ्लावर की जैसे, मतलब जैसे एक एक पेटल, पांच पेटल है, उस हिसाब से जोड़ देना है। और ये देखने में इतनी सुंदर लग रही थी ना, फिर थोड़ी सी गंदगी लगा के इसको थोड़ा सा मजबूत बनाना है ताकि ये टूटे करे ना, ताकि यूज़ भी हो जाए और टूटे वगैरह भी नहीं, ताकि अगर टूटता है अगर कोई भी चीज़ तो दुख तो होता है ना। तो देखो यार, सबसे पहले मैंने एक ये चार्ट पेपर पड़ा हुआ था मेरा, उसका एक छोटी सी स्ट्रिप काटी और उसको इस पर लपेट दिया और ये थोड़ा अच्छा लग रहा था उससे। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से लपेट के, मतलब चिपका चिपका के, और उसके बाद इसको रेड कलर से पेंट कर दिया था। देखो यार, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी आप पेंट करो तो फैब्रिक कलर से करना, और एक बार नहीं दो दो बार करना पड़ेगा आपको, जब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो एक बार में तो कुछ भी नहीं दिखने वाला। और फिर मैंने एक ये न्यूज़पेपर की एक डंडी ली थी, उसको फिर रोल करके और ऐसे हैंडल के रूप में चिपका दिया था, उसके ऊपर ये लेस चिपका दी थी जिससे और अच्छा लगे, और ये अच्छी भी लग रही थी। और आप कमेंट करिएगा आपको क्या लग रहा है ये क्या बना रही हूँ मैं, आखिरी में मैं आपको बता दूंगी वैसे तो, फिर भी आप कमेंट करना एक बार। सो गाइस, मैंने बनाई एक पूजा के लिए टोकरी जो आपको अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टाटा।